नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं मनोज कमलिया स्टेडियम। 21 दिसंबर से आज 25 दिसंबर तक भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। उसके शुभ अवसर पर महिलाओं का एक क्रिकेट का आयोजन किया गया था। बिहार के कोने कोने कह सकते हैं, बिहार के प्रत्येक जिलों से यहाँ टीम आई थी। आज विजेता और उपविजेता के बीच में ट्रॉफियाँ, जो जीता है उसके लिए भी, जो हारे हैं उनके लिए भी। यहाँ का दृश्य देखिएगा तो काफ़ी लोग एकत्रित थे। दर्शक दीर्घा में लोग तालियां बजाकर उनका उन खिलाड़ियों को हौसला अफजाई कर रहे थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विजय सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के ऋतुराज सिन्हा जी, पटना नगर निगम की मेयर श्रीमती सीता साहू जी और पटना नगर निगम के विभिन्न वार्डों के वार्ड पार्षद लोग एक साथ में यहाँ उपस्थित हैं। हम इस पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाएंगे। यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या कह रही हैं, उनकी बात को भी सुनाएंगे। चलिए मेरे साथ। और उपभोक्ता टीमों के खिलाड़ियों के अलावा सारे ऑफिस विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कैकेसी पर भी नैन्सी कुमारी सारे प्लेयर्स अपना व्यक्तिगत पुरस्कार भी रखते हैं। व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान की जाती थी। हम देख रहे थे ना, एमजी रानी कुमार वर्मा। देखिए, आज श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर ये खेल का आयोजन किया गया है भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के माध्यम से। और अटल जी के सपना को साकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए। और दो तिहाई युवा को खेलो इंडिया में सम्मिलित करके भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का, युवाओं के प्रतिभा को जगाने का, स्वस्थ रहने का और भारत की राष्ट्रवाद को प्रखरता से ताकत देने के लिए ये आयोजन किया गया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की क्रिकेट चैंपियनशिप, हम कह सकते हैं कि पटना साहिब पटना सिटी में पहली बार आयोजन किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो क्रीड़ा प्रकोष्ठ है वो खिलाड़ियों के बीच के विषय को निरंतरता से उठाता रहता है। वो बच्चों के बीच में चेस कराना हो या कराटे ताइक्वांडो कराना हो या क्रिकेट बच्चियों के बीच में कराना हो या अन्य अन्य प्रकार के खेल, हैंडबॉल से लेकर वॉलीबॉल तक, कबड्डी तक, ये सारे कार्यक्रम क्रीड़ा प्रकोष्ठ बहुत बढ़िया से करवाता रहता है, साल भर करवाता रहता है। लक्ष्य सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है कि खेलेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। तो हमारे बच्चों को खेल के प्रति पुनः जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्रीड़ा प्रकोष्ठ, उसके संयोजक सतीश राजू जी, सभी पूरी टीम इसके लिए निरंतरता से लगी रहती है। और मैं उनको बहुत साधुवाद, बहुत अभिनंदन करता हूं कि इसी तरह से वो आगे भी काम करते रहे। समीक्षा कौशिक, संयोजक, बहुत अच्छा रहा और हम चाहेंगे हर साल हो और हर बिहार से हर कोने से जितनी भी लड़कियां हैं यहां और खेलें और इंडिया का नाम रोशन करें। पटना साहिब पटना सिटी में ऐसा महिलाओं के लिए तो पहली बार है, महिलाओं के लोग के लिए पहली बार है, तो खेलने वाले लोग तो जानेंगे और बताए भी हैं। हम लोग उनके साथ रहे हैं तो बताते हैं कि हमको अच्छा लगा पटना सिटी में आकर के, बहुत ही अच्छा रहा। और ऐसे ही महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए ताकि और आगे बढ़े, तरक्की करें।